फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया है माय फॉर्म नाम का, ठीक है। अब मैं इस कंपोनेंट के अंदर फॉर्म टैग को ओपन कर रहा हूँ एंड क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मैंने इनपुट एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है। अब इस इनपुट एलिमेंट में जो भी वैल्यू इंटर होगा, ठीक, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अब इस इनपुट को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। अब जैसे ही इस इनपुट कुछ भी चेंज होगा तो वो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा और हम क्या काम करेंगे, उसके वैल्यू को हम लोग अपडेट कर देंगे किसमें, स्टेट्स में, ठीक है। जितना बार इनपुट में चेंज होगा, जैसे मान लीजिए आर हुआ, तो हम क्या काम करेंगे, इवेंट हैंडलर कॉल होगा और क्या काम करेंगे, उसमें हम लोग स्टेट ये सेट नेम के थ्रू उसके वैल्यू को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू तो इनपुट का मैनेज हो गया, ठीक है, कि हम लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे, इसके वैल्यू को। अब ये फॉर्म को हम लोग कैसे सबमिट करेंगे, तो एक इवेंट आता है ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे इस इनपुट में हम लोग इस इनपुट का वैल्यू क्या काम करेंगे, जितना बार चेंज होगा हम लोग ऑन चेंज इवेंट के थ्रू उसके वैल्यू को सेट कर देंगे स्टेट में, ठीक है। अब जैसे हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम क्या काम, फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो इस स्टेट के वैल्यू को हम लोग सिंपली कंसोल करेंगे, ठीक है। अब फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट नेचर होता है पेज रिफ्रेशिंग का होता है, जैसे आपने बटन सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, वो पेज रिफ्रेश कर देता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होता है कि हम लोग जो पेज रिफ्रेशिंग है वो उसको आप रोक सकते हो, कि अगर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आप लिखते हो तो क्या होगा, आपको पेज रिफ्रेशिंग नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने अपने कोड को 3000 पे रन कर लिया है एंड विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ एक फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज करता हूँ, फॉर्म, ठीक है। अब मैं ओके पी टैग यहाँ पे मैं नेम दिया, ठीक है। इनपुट एलिमेंट ऐड करता हूँ इसका टाइप इंटर अब हम क्या काम करेंगे, इस इनपुट में जो भी चेंजेस होगा उसके डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो ऑन चेंज के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेट को, ये क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट, सॉरी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, तो अगर हमको इसमें यूज करना है स्टेट तो हम लोग हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट हुक्स। अब हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है, इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हमने डिक्लेयर किया कॉस्ट नेम, यहाँ आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और सेट नेम के थ्रू हम उसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। यूज स्टेट इनिशियल क्या रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। अब जो भी इस इनपुट पे चेंजेस होगा उसके वैल्यू को हम टैग में लिखना चाह रहे हैं, क्या करता हूँ मैं ऑन चेंज इवेंट लगाता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए एक मेरा इनपुट एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसके वैल्यू को हमको सेट करना है किसमें, तो स्टेट्स में। हम लोग यहाँ ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज करेंगे, जैसे ही इस पे इनपुट कुछ भी चेंज होगा उसके वैल्यू को हम लोग सेट करेंगे स्टेट में। हैंडल इनपुट इवेंट, ठीक है, इस इवेंट को हम लोग
यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाएंगे कॉस्ट मैं सिंपली इसको कंसोल करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग इवेंट ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू सेव किया। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, मैं कंसोल पे गया तो देखिए फ्रेंड जो भी मैं इस इनपुट में चेंज करूंगा देखिए ठीक है। तो आपका जितना बार आप यहाँ पे इनपुट टाइप कर रहे हैं मतलब कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है इवेंट हैंडलर के थ्रू वो वैल्यू आपको कंसोल हो रही है ठीक है। अब इस वैल्यू को हमको क्या काम करना है स्टेट में सेट करना है तो हम क्या करेंगे सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब क्या होगा कि जैसे ही ये इवेंट ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा तो क्या होगा उसके वैल्यू को हम लोग इवेंट डॉट टारगेट के थ्रू उसके वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं किसमें इस स्टेट में। और जो भी हम लोग इस स्टेट में जो भी वैल्यू सेट होगा वो हम क्या शो करवा रहे हैं इसके पी टैग में ठीक है। तो मैं ओपन ब्राउजर पे जाता हूँ अब देखिए फ्रेंड आर ए जो भी यहाँ पे आप इनपुट में टाइप कर रहे हैं उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और इनपुट एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तो मैं लिखा कॉन्स्ट पहले मैं इसका स्टेट बना लेता हूँ ईमेल ऑन सेट ईमेल इनिशियली ये भी खाली रहेगा सेट किया ठीक है। और एक और मैं इनपुट बना रहा हूँ यहाँ पे पहले मैं पी टैग लेता हूँ ईमेल और ईमेल ठीक है। एंड इसका टाइप होगा टेक्स प्लेस होल्डर होगा इंटर ईमेल इसमें भी हम लोग ऑन चेंज लगाएंगे ताकि इस ईमेल में जो भी आप ईमेल टाइप करोगे इस इनपुट में तो हम लोग ऑन चेंज के थ्रू उसके वैल्यू को सेट कर सके स्टेट में। तो यहाँ पे अब एक और है कि आप इस जो सेट ईमेल है इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे सेट करवा सकते हो ऐसे लिखेंगे तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ठीक है। अब जैसे ये इवेंट ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसके इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू उसके वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट स्टेट में सेट कर रहे हैं ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोज किया सेव किया ठीक है। मैं यहाँ पे गया अब जो भी मैं ईमेल पे टाइप करूँगा देखिए आपका ईमेल दिख यहाँ पे दिख रहा है ठीक है। जितना बार आपका इवेंट चेंज ऑन चेंज हैंडलर कॉल हो रहा है ठीक है और वहाँ स्टेट में वैल्यू को अपडेट कर रहा है उसी तरीके से अगर आप नेम में टाइप करेंगे आपको नेम की वैल्यू भी मिलेगी ठीक है। अब इस फॉर्म को हमको सबमिट करना है तो हम क्या काम करेंगे एक बटन बनाएंगे बटन का नेम मैं सेव दे रहा हूँ सेव किया और इसका जो टाइप होगा सबमिट होगा सब अब यहाँ पे आपको एक हैंडलर आता है ऑन सबमिट मैं यहाँ पे हैंडल सबमिट किया इस
देखते हैं हम क्या काम करेंगे। अब मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, रिएक्टर कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो इसको हम चाहते हैं कि कंट्रोल करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखिए फ्रेंड आपका जो है फॉर्म सबमिट हो रहा है लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, और ये आपको यहाँ पे कंसोल भी दिख रहा है। ठीक है, अब इस जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो हम क्या चाहते हैं कि इस जो नेम है एंड ईमेल है उसके वैल्यू को भी कंसोल करवाना चाह रहे हैं। तो आपको लिखना है सिंपली कंसोल डॉट लॉग में नेम कॉमा नेम एंड उसी तरीका से ईमेल मैं यह अपने पेज को रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ जैसे नेम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम, ईमेल में टाइप कर रहा हूँ आपका यहाँ पे जीमेल भी दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो क्या होगा, इस नेम में जो भी आपने वैल्यू टाइप किया है वो और इस ईमेल में जो भी आपने ईमेल टाइप किया है वो आपको फॉर्म सबमिट पे दिख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आपका नेम में रंजीत आ गया एंड ईमेल में ranjit@gmail.com आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।